तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एनसियन सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड इंडिया की हिस्ट्री की बात की गई है यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया जो है एनसियन सिविलाइजेशंस जैसे कि हरप्पन सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका पार्ट था और इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसटेड सोशियो इकोमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट फाइव डी और पिछले पाँच दशकों में डी का मतलब होता है टेन ईयर्स एक डिकेड में टेन ईयर होते हैं तो यानी कि पिछले फिफ्टी ईयर्स में हमने मल्टी फेसिटेड हर एक एस्पेक्ट में सोशल एस्पेक्ट हो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो हर जगह प्रोग्रेस किया है तरक्की किया है इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कृषि की बात करें यानी कि एग्रीकल्चर की तो हमने इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हासिल किया है पहले हमें अपना जो फूड था वो फूड ग्रीन्स इम्पोर्ट करना पड़ता था मतलब हमारे यहाँ कमी थी और हमें बाहर से मंगाना पड़ता था लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ और बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए जिसके मदद से हमारे पास सरप्लस हो गया यानी कि अब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर इतना ज़्यादा है सरप्लस है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री की भी बात कर लीजिए बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है हमारा कि हम मिसाइल्स बना रहे हैं स्पेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो ये सब देख रहे हैं कि हमने बहुत सारा प्रोग्रेस किया है पिछले कुछ सालों में इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देता है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अब हम इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करेंगे इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इंडिया जो है एक वास्ट बहुत ही बड़ी कंट्री है लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अब हमें इंडिया का लोकेशन बताना है तो हमें कोई रेफरेंस भी चाहिए जिससे हम कंपेयर करके इंडिया की पोजीशन को डिफाइन कर सके पोजीशन को बता सके तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बात की गई है कि इंडिया जो है पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिसफेयर है हेमीस्फेयर मतलब हेमी मींस हाफ एन एनस्फेयर इज द ग्लोब और अर्थ यानी कि जो नॉर्दर्न आधा हिस्सा है अर्थ का उसमें इंडिया इंटायरली लाई करता है तो यहाँ पर हम एक इमेजनरी लाइन देखते हैं इक्वेटर जो इसके नॉर्थ में होगा वो हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके जो साउथ में होगा वो होगा साउदर्न हेमिस्फीयर और इंडिया का पोजीशन कहाँ है इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो यहां पर हम कुछ इमेजनरी लाइंस को डिस्कस करेंगे ये इमेजनरी लाइंस हैं मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती और इनको हम क्या कह रहे हैं लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमने किसी भी प्लेस के लोकेशन uh, को और टाइम को डिफाइन करने के लिए ये इमेजनरी लाइंस ड्रॉ किए हैं तो लैटिट्यूड क्या है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दीज आर लैटिट्यूड और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये क्या है लॉन्गिट्यूड। जब भी हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि ये पैरल लाइन्स हैं जो कि इक्वेटर के इक्वेटर भी एक लैटीट्यूड है इसके पैरल रन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पूरे नॉर्थ से लेकर के साउथ डायरेक्शन में है यानि कि जब भी हम लैटीट्यूड की बात करेंगे तो हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे और जो लॉन्गिट्यूड है ये एक पोल से दूसरे पोल पे जाके ज्वाइन हो रही हैं और इनका डायरेक्शन कैसे है ईस्ट टू वेस्ट ऐसे देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि ये इमेजनरी लाइन्स हैं और इनकी मदद से हम इंडिया के पोजिशन को डिफाइन करेंगे

इंडिया क्योंकि इंटायरली नॉर्दर्न हेमिसफेयर में लाई करता है तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ ये पॉइंट एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ और ऊपर वाला जो पॉइंट है इट इज थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट्स नॉर्थ इनका डायरेक्शन हम क्या लिख रहे हैं नॉर्थ क्योंकि इंडिया इंटायरली नॉर्दर्न हेमिसफेयर में लाई करता है तो एक्सटेंड हो जाएगा एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ से लेकर के थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट्स नॉर्थ तो ये हमारा तो यहां पर अब हम बात करेंगे लॉन्गी ट्यूनल एक्सटेंट की लॉन्गी ट्यूनल एक्सटेंट मतलब हम इन दोनों जो वर्टिकल लाइन से उसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट इंडिया के लोकेशन को डिफाइन करेंगे तो ये देखेंगे हम लॉन्गी ट्यूनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का तो यहां पर है सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट्स ईस्ट और इधर है नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट ईस्ट अब हम इसे ईस्ट क्यों लिख रहे हैं क्योंकि जो लॉन्गी है जो जीरो डिग्री लॉन्गी लाइन है उसके ईस्ट डायरेक्शन में इंटायरली इंडिया आ जा रहा है और इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है तो इंडिया पूरी तरह से ईस्ट वाले हिस्से में है जीरो डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है यानी कि जो जैसे कि जीरो डिग्री इक्वेटर होता है लैटीट्यूड में वैसे ही लॉन्गीट्यूड में जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन है तो उसके ईस्ट वाले हिस्से में इंडिया है इसलिए हम डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या लिख रहे हैं सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट्स ईस्ट सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट्स ईस्ट से लेकर के इंडिया का जो एक्सटेंड है इट इज़ नाइन्टी सेवन पॉइंट नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट्स ईस्ट तो याद रखना है ईस्ट ईस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ तो अब हम देख रहे हैं कि लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड। तो ये पॉइंट्स हमें पता चल गए इससे हमें एक आइडिया लग जा रहा है कि इंडिया का पोजिशन क्या है लोकेशन क्या है इन रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस भी होती हैं जैसे कि इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ट्वेंटी थ्री डिग्री एंड हाफ नॉर्थ ये इंडिया को आ, इंडिया से पास करता है और ऑलमोस्ट इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है और साथ ही साथ ये हमारे कंट्री के एट स्टेट्स से होकर गुजरता है कौन कौन से स्टेट्स हैं ये गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा एंड मिजोरम आप जूम करिए और इसे मैप में देख सकते हैं कि ये कौन कौन स्टेट से लाइन पास हो रही है तो एट स्टेट्स हैं जिनका नाम आपको बताया गया है तो ये देखिए ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट और ये वेस्ट तो इंडिया के साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइक करते हैं जो कि कहाँ है बे ऑफ बंगाल में उसी तरह से इंडिया के साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स लोकेटेड हैं और ये कौन से सी है अरेबियन सी तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैप के थ्रू समझाया गया है अब ये जो है ये एक डू यू नो है जो बुक में दिया हुआ है द द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट अंडर सी वॉटर इन टू थाउजेंड फोर ड्यूरिंग सुनामी सो सबसे सदन मोस्ट पार्ट जो था इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट उसे हम कहते थे इंदिरा पॉइंट और ये दो हजार चार की सुनामी में डूब गया तो ये आपको याद रखना है इस पॉइंट का नाम क्या था इंदिरा पॉइंट अब हम साइज़ की बात करेंगे कि इंडिया का साइज़ क्या है तो इंडिया का जो लैंड मार्क्स है इट हैज़ एन एरिया ऑफ थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो ये जो हमारा कंट्री का एरिया है पूरा लैंड मार्क्स का जो एरिया है वो कितना है थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये जो टोटल एरिया है ये पूरे वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया का टू हिस्सा बनाता है इंडिया का कितना एरिया है थ्री मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और ये एरिया वर्ल्ड के टोटल जोग्राफिकल एरिया का दो हिस्सा है और हमारा कंट्री जो है इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड यह हम सभी को पता है कि हमारा कंट्री जो है वो सातवां स्थान है रैंक है उसका वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्रीज़ में तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है यानी कि ये वाला जो बाउंड्री हम बात कर रहे हैं जो लैंड से सटा हुआ है वो कितना है फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर जो कि लैंड मास से सटा हुआ है लैंड बाउंड्री जो है लैंड एरिया से कनेक्टेड वो कितना है फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर और जो कोस्ट लाइन है जो हमारे समुद्री तट हैं जिसमें हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स के भी बाउंड्रीज को इंक्लूड कर रहे हैं तो ये पूरा कोस्ट लाइन जो कि वाटर बॉडी से लगा हुआ है उसका कितना एरिया है सेवन थाउजेंड 516.6 किलोमीटर टोटल लैंड टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर और टोटल कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेंस इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट तो हमारे नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में हिमालयन माउंटेंस हैं यंग एंड फोल्ड इसको हम चैप्टर टू में अच्छे से समझेंगे कि यंग एंड फोल्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि uh, ये नए हैं जो जोलॉजिकल टाइम इसके लिए उसके हिसाब से इनका फॉर्मेशन रिसेंट टाइम में हुआ है हिमालयाज का और यंग है और इनका स्ट्रक्चर कैसा है फोल्ड माउंटेंस वाला है ऐसे ऐसे हुए हैं ये फोल्ड माउंटेंस है इसलिए हम कह रहे हैं कि हिमालयस यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स है तो ये जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है ये एक तरह से बाउंड्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कंट्री को डिफेंस में भी हेल्प करते हैं अब south of about 22 degree north latitude it begins to taper and extends towards the Indian ocean dividing it into two seas the Arabian sea on the west and the bay of bengal on its east to so, Tropic of cancer so, थ्री डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और इसके थोड़ा नीचे ट्वेंटी टू डिग्री नॉर्थ से इंडिया को देखेंगे आपके टेपर हो रहा है यानी कि पतला हो रहा है नैरो होने लगता है एंड इट एक्सटेंड्स इंटू द इंडियन ओशन और ये इस तरह से दो सी हमारे पास देखने को मिलती है ए क्या है बे ऑफ बंगाल और इधर अरेबियन सी तो एक तरफ है बे ऑफ बंगाल एक तरफ है अरेबियन सी और नीचे है इंडियन ओशन इसीलिए हम इंडिया को एक पेनसुला भी कहते हैं पेनसुला क्या होता है ऐसा लैंडमार्क ला, जो कि तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो ऐसा लैंड मार्स जो कि तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो तो बे ऑफ बंगाल है इंडियन ओशन है और अरेबियन सी इसलिए हम कहते हैं इंडिया इज अ पेनसुल कंट्री नोट दैट द लॉन्गिट्यूडनल Note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degrees. इंडिया का जो लैटिट्यूनल एक्सटेंट है एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ से लेकर के थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट्स नॉर्थ इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है थर्टी डिग्रीज का सिमिलरली जो लॉन्गीट्यूनल एक्सटेंट है यानी कि सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट्स ईस्ट टू नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट्स ईस्ट इसके बीच भी में ऑलमोस्ट कितना है थर्टी डिग्री का डिफरेंस है तो आप ये इंपॉर्टेंट बात है कि लैटिट्यूडल और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट कितना है ऑलमोस्ट थर्टी डिग्रीज का है ड्यूरिंग डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपियर्स टू बी स्मॉलर

इसमें देखेंगे कि ऑलमोस्ट कितने थर्टी डिग्रीज आ रहे हैं उसी तरह से सिमिलरली लॉन्गी में भी कितने हैं लॉन्गीटूडल एक्सटेंट में भी थर्टी डिग्रीज हैं और ये देखिए जो हमारा इंडिया का जो वेस्ट टू ईस्ट इंडिया का जो वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट है उसका कितना किलोमीटर है टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी थ्री किलोमीटर्स है ये उसी तरह से जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है हमारे कंट्री का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है हमारी कंट्री का वो कितना है इट इज़ थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोटीन किलोमीटर यानी कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें इन किलोमीटर्स वो कितना एरिया uh, होगा टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी थ्री किलोमीटर्स और अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें इन किलोमीटर्स तो वो होगा थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टीन किलोमीटर अब देखिए यहां पर है गुजरात और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश यहाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में हमें टू आवर्स का टाइम लैग देखने को मिलता है ऐसा क्यों होता है इसे है समझते हैं अर्थ रोटेट्स थ्री सिक्सटी डिग्रीज इन ट्वेंटी फोर आवर्स हमारी अर्थ जो है वो चौबीस घंटे में तीन सौ साठ डिग्री अपने एक्सिस पर घूमती है तो फिफ्टीन डिग्रीज घूमने में उसे एक घंटा लगेगा और एक डिग्री घूमने में फोर मिनट्स लगेंगे तो हम देखते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच जो एक्सटेंट है वो डिफरेंस है वो थर्टी डिग्रीज़ का है, है कि नहीं गुजरात एकदम इस तरफ है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है तो इनके बीच जो डिफरेंस है वो तीस डिग्री का है अब हम इनके बीच टाइम पता करने के लिए क्या करेंगे हमने देखा कि एक डिग्री फोर मिनट्स में एक डिग्री रोटेट करती है तो तीस डिग्री रोटेट करने में इसे कितना टाइम लगेगा तो हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा वन ट्वेंटी मिनट यानी कि टू आवर्स इसी कारण जो है वहां पर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है टू आवर्स का तो ये हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है बस इतना याद रखें कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जाने में दो घंटे का फर्क पड़ता है और इसी तरह से हर लेटिट्यूड पर हमें टाइम का कन्फ्यूजन हो जाएगा कुछ उूड पे कोई और टाइम तो दूसरे लैटिट्यूड पे कोई और टाइम इसे अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम चुना गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये है एटी टू डिग्री थर्टी ऐटी टू डिग्री थर्टी मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश ये स्टैंडर्ड मिरीडियन जो है ये वो एटी टू डिग्री थर्टी मिनट्स ईस्ट पे लोकेटेड है और यहाँ पे जो भी टाइम होगा वो पूरे कंट्री में फॉलो किया जाएगा ताकि ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है टाइम का इसे अवॉइड किया जाए तो एटी टू डिग्री थर्टी मिनट्स ईस्ट पे जो भी टाइम होगा उस टाइम को पूरे कंट्री में फॉलो किया जाएगा और ये जो लाइन है ये कहाँ से पास करती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से तो ये है एटी टू डिग्री हाफ ईस्ट और ये पास करता है इन यूपी uh, मिर्जापुर से मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में वहाँ से पास करता है अब जो देखिए जो ग्रीन विच है जो कि जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है लंदन में वहाँ का टाइम और हमारे कंट्री का टाइम यानी कि हर एक कंट्री अपने अपने कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन चुनता है जो जो कि उसकी पूरी कंट्री में फॉलो किया जाता है कई कंट्रीज जो कि एरिया में बहुत ज़्यादा बड़े हैं उनके पास सेवरल टाइम जोन है हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन है तो ये सब जो लंदन से जो ग्रीन विच से पास कर रहा है जीरो डिग्री लॉन्गीट्यूड उनसे क्या डिफरेंस है टाइम का हर एक लैटिट्यूड पर हर एक लॉन्गिट्यूड पर टाइम अलग है इसलिए हम कंपेयर करते हैं कि जो ग्रीन विच है जो कि जीरो डिग्री माना गया है वहाँ से हमारे कंट्री का एटीटू डिग्री एंड हाफ ईस्ट का कितना आवर्स uh, का डिफरेंस है तो फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये जीरो डिग्री है ग्रीन विच से ये लाइन पास कर दी है यहाँ पे और ये हमारा कंट्री है एटी टू डिग्री हाफ ईस्ट यहाँ से तो इनके बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो है साढ़े पाँच घंटे का हमारा ग्रीन विच टाइम जो है उससे हमारे कंट्री का टाइम फाइव आवर्स एंड थर्टी मिनट्स अहेड है फाइव आवर्स एंड थर्टी मिनट्स अहेड है हम तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड और हम जानते हैं कि इंडिया जो है सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड और इससे बड़ी कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं तो सबसे बड़ी कंट्री है रशिया फिर आता है कनाडा यूएसए चाइना ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया तो आप इन सब के ऑर्डर को याद रखिए तो सबसे बड़ी कंट्री रशिया फिर कैनेडा फिर यू चाइना ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड

स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया जो हमारी ओशन रूट्स हैं जो यहाँ से आप देख सकते हैं सी रूट्स हैं ये हमारे कंट्री को वेस्ट में यूरोप से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं और ईस्ट में जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनसे भी कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं यानी कि ये जो सेंट्रल लोकेशन है इससे हमें डबल फ़ायदा हो रहा है एक तरफ हम वेस्ट से भी कॉन्टेक्ट रख पा रहे हैं और इधर ईस्ट से भी ईस्ट एशियन कंट्री से भी आसानी से हम कॉन्टैक्ट रख पा रहे हैं note that the deccan peninsula protrudes into the indian ocean thus helping india to establish close contact with west asia africa euro from the western coast and southeast and east asia from the eastern coast to ye dekhiye hamara jo uh, jo part humne dekha tha ki jo deccan peninsula wala part hai जो कि Indian Ocean में extend करता है उसके मदद से देखिए हम इधर इधर डेकन पार्ट peninsula जो है इधर हो जाता है western coast. और इधर हो जाता है ईस्टर्न कोस्ट तो वेस्टर्न कोस्ट से हम क्या कर पा रहे हैं जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया की कंट्री है इधर अफ्रीका है इधर ऊपर में यूरोप है तो इन सब से कांटेक्ट रखने में हमें वेस्टर्न कोस्ट के हेल्प से हम आसानी से कांटेक्ट कर पा रहे हैं सी रूट्स मेंटेन कर पा रहे हैं और इधर ईस्ट कोस्ट भी है ईस्ट कोस्ट से हम क्या कर पा रहे हैं जो इधर ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ है उनसे भी आसानी से कॉन्टेक्ट्स रख पा रहे हैं

कोस्ट लाइन इंडिया से ज़्यादा नहीं है मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अगर कोई कंट्री का है इंडियन ओशन में तो वो है इंडिया इंडिया सबसे लंबा कोस्ट लाइन रखता है इंडियन ओशन में और इसी एमिनेंट पोजीशन के वजह से इंडियन ओशन नाम रखा जो ओशन है जो वाटर बॉडी है लार्ज वाटर बॉडी उसका नाम इंडियन ओशन रखा गया क्योंकि इतना स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो है इंडिया का यहाँ पे जो ओशन से हमारे अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन ये सब किसी भी कंट्री के नाम पर नहीं रखे गए हैं पर इंडियन ओशन क्यों रखा गया इंडिया के एमिनेंट पोजीशन को शो करने के लिए जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन यहाँ से इंडिया को मिलता है जिसकी वजह से ये जो अफ्रीका वेस्ट एशिया यूरोप इनके कंट्री से आसानी से ट्रेड कर पाता है अपने वेस्टर्न कोस्ट के साइड से और ईस्टर्न कोस्ट के साइड से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से भी आसानी से ट्रेड कर पाता है और ये इतना स्ट्रैटेजिक सेंट्रल पोजिशन है इसके वजह से हमारा जो आ, ओशन है उसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है इंडियाज कॉन्टैक्ट विद the वर्ल्ड have continued थ्रू ages, बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू the लैंड रूट्स are मच ओल्डर than हर maritime contacts. तो इंडिया का जो वर्ल्ड से है बहुत ही पुराने समय से कॉन्टैक्ट चला आ रहा है और हम पहले लैंड रूट से ज़्यादा कॉन्टैक्ट uh, रखते थे मतलब लैंड रूट जो हैं जिनसे हमने कॉन्टैक्ट किया है अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये ओल्डर हैं एज कम्पेयर टू द सी रूट्स इंडिया की सी रूट की डिस्कवरी तो आप सभी को पता होगा कि वास्को डिगामा ने की फोरटीन नाइन्टी एट में तो सी रूट्स पहले डिस्कवर नहीं हुए थे और इससे पहले जो तब भी हम कॉन्टैक्ट रखते थे अदर कंट्री से एक्सपोर्ट होता था इम्पोर्ट होता था ट्रेड होता था तो ये सब किसके जरिए होता था लैंड रूट के जरिए द वेरियस पैसेज अक्रॉस रिस्ट्रिक्ट अक्रॉस माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू एंशियन ट्रेवलर्स वाई द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेंस है इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसेज हैं जिसने क्या प्रोवाइड किया है रास्ता दिया है एनशियन ट्रैवलर्स को कि यहाँ से आइए ये इंडिया का इसके पास जाने के बाद क्या है इंडिया है तो इस तरह से जो एनशियन ट्रैवलर्स होते थे जैसे कि फ़ाहिन है और बहुत सारे ट्रैवलर्स वो सब इंडिया में आते थे एनशियट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में कितने हज़ारों साल पहले की बात है तो तब भी लैंड रूट एक्स एक्सजस्ट करता था और ये माउंटेन्स इसमें मदद करते थे जबकि ओशन्स जो थे इनका यूज़ नहीं किया जाता था क्योंकि हम देख रहे हैं ओशन्स की डिस्कवरी सी रूट की डिस्कवरी मतलब ओशन्स की नहीं सी रूट टू इंडिया की डिस्कवरी ना 1498 में वास्को डिगामा करते हैं उसके बाद से यहाँ पे और सब जानते हैं और सी रूट का यूज़ होता है और बोट मेकिंग ये सब साइंस भी नहीं था पुराने जमा जमाने में तो यही कहने का सेंस है कि पहले माउंटेन्स लैंड रूट्स इसी के थ्रू कॉन्टैक्ट रखा जाता था दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कॉमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम्स तो हम चीज़ों का व्यापार करते थे एक्सपोर्ट करते थे इम्पोर्ट करते थे और आइडियाज़ भी कुछ हमारी आइडियाज़ दूसरे कंट्रीज़ में जाके ट्रैवल करती थी और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो हमारे यहाँ भी आते थे हम उनके आइडियाज़ वो अपने साथ लेकर आते थे और हमने अडाप्ट किए हैं अब देख लीजिए मुगल्स अपने साथ आए बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है ईरानियंस आए सब कुछ और हमारा इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है अदर पार्ट्स में इसी तरह से दीज आर द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद एंड द रामायणा द स्टोरी ऑफ पंचतंत्रा एंड द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कूड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तो ये जो उपनिषद्स हैं जो आ, एपिक हैं जैसे कि रामायण और जो पंचतंत्र जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है जो स्टोरीज होती हैं ये सब अदर पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे जो इंडियन का नंबर का सिस्टम है न्यूमरल्स है और जो डेसिमल सिस्टम है वो इंडिया में ही इसकी डिस्कवरी की गई थी जीरो ये सब आर्यभ ने किया था तो ये सब अदर पार्ट्स में भी ट्रैवल हुए हैं इन्हीं लैंड रूट्स के वजह से इन्हीं कॉन्टैक्ट्स के वजह से द स्पाइस मुस्लिन एंड अदर मर्केंटाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़ तो स्पाइसिस का ब्लैक पेपर और भी क्लोव ये सारे बहुत सारे स्पाइसेस थे मसाले थे जिनका एक्सचेंज होता था मसलिन एक बहुत ही फाइन कपड़ा होता है और भी बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंट कंट्रीज में ले जाया जाता था यही सब तो अट्रैक्ट करते थे फॉरेनर्स को हमारे कंट्री में आने के लिए ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनार्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री तो और जो वो अपने साथ हमारी चीज़ें तो एक्सपोर्ट हुई ही हैं और साथ में आ, मतलब बाहर गई ही हैं और जो बाहर के लोग थे उनका कल्चर भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है तो ये कल्चरल इन्फ्लुएंस हम कह सकते हैं कि हमने देखा है तो ग्रीक स्कल्पचर और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी देखते हैं बहुत सारा हमें देखने को मिल जाएगा अपने कंट्री में इंडिया इज़ नेवर्स तो अब हम इंडिया के नेवरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया इंडिया हैज़ ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरीटोरीज नाइन नहीं होगा बुक्स अपडेट अभी भी नहीं हुए बुक्स की पीडीएफ तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में अट्ठाईस राज्य हैं और अट्ठाईस अट्ठाईस uh, राज्य हैं और आठ यूनियन टेरीटोरीज़ हैं सबसे पहले इंडिया में हम क्या पढ़ते आ रहे थे बचपन से कि ट्वेंटी एट स्टेट्स होते हैं और सेवन यूनियन टेरीटोरीज होते हैं बाद में तेलंगाना का क्रिएशन हुआ फिर ये नंबर हो गया ट्वेंटी नाइन स्टेट एंड सेवन यूनियन टेरिटोरीज फिर बाद में हम देखते हैं कि जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था आम, ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरीटोरीज क्रिएट हुए यानी कि अब फिर से स्टेट में एक स्टेट कम हो गया और दो यूनियन टेरीटोरीज बढ़ गए तो स्टेट्स हो गए ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड नाइन यूनियन टेरीटोरीज पर बाद में हम देखते हैं कि दमन एन दुई एंड दादरा एंड नगर हवेली ये सब जो है मर्ज हो गए हैं ये दो डिफरेंट यूनियन टेरीटोरीज थे और इनको मर्ज करके एक कर दिया गया है तो अब हमारे पास प्रेजेंट में क्या है ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरीटोरीज तो डू यू नो देखेंगे और समझेंगे बिफोर 1947 फोर्टी सेवन देर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया द प्रोवेंसेज एंड द प्रिंसली स्टेट्स तो 1947 से पहले यानी कि भारत के आजाद होने से पहले इंडिपेंडेंस से पहले दो तरह के राज्य होते थे द प्रोविसेज एंड द प्रिंसली स्टेट्स तो प्रोविसेज जिसपे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था और प्रिंसली स्टेट जिसमें कि राजा होते थे प्रिंसेज होते थे प्रोविंसेजर रूल डायरेक्टली बाई ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड बाई वाइस रॉय प्रिंसली स्टेट्स व रूल्ड बाई लोकल हेरिडेटरी रूलर्स एक्नोलिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी तो जो प्रोविसेज थे उन पर डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स यानी कि वाइस राय वाइस राय कौन होता था जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था जो क्वीन और किंगलैंड है इंग्लैंड में उसका वो उसमें डायरेक्टली मतलब रूल करते थे और जो प्रिंसली स्टेट थे वो भी एक तरह से इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर ही थे पर वो वहाँ पर लोकल रूलर्स थे और इन्होंने वहाँ पे अपना हेरिडिटरी रूल किया था अब बात करेंगे हम नेवर्स की इंडिया शेयर्स इज लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट चाइना तिब्बत नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट आर सदर नेवर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ टू आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मनार व मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स India has a strong geographical and historical links with her neighbors. तो अब तक जो भी हम पढ़ते आए हैं अब उसे समझेंगे आ, ये देखिए ये है नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट और ये क्या है वेस्ट तो अब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो कंट्रीज हमसे बाउंड्री शेयर करती हैं लैंड बाउंड्री वो कौन कौन सी हो गई पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्टर्न नेवर्स हैं सिमिलरली नॉर्थ में इंडिया किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना नेपाल एंड भूटान चाइना नेपाल एंड भूटान हमारे नॉर्दर्न नेबर्स हैं उसी तरह यहां देखिए ये यह क्या है बांग्लादेश और म्यांमार बांग्लादेश और म्यांमार से इंडिया ईस्ट में अपने बाउंड्री शेयर करता है यानी कि ईस्टर्न नेवर्स हमारे हो गए बांग्लादेश एंड म्यांमार और अब हमारे सदर्न नेवर्स जो हैं जो कि आइलैंड कंट्रीज है आइलैंड मतलब जो कि चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो तो उसे हम आईलैंड कहते हैं तो ऐसे नेवर्स है हमारे साउथ में एक है श्रीलंका और एक है मालदीव्स तो ये देखिए इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करता है वो स्टेट का नाम है पाल के स्टेट ठीक है स्ट्रेट का मतलब क्या होता है ऐसी वाटर बॉडी जो कि दो लैंड मार्क्स को दो कंट्रीज़ को डिवाइड कर रही है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं तो इस बीच जो है इंडिया और श्रीलंका को जो वाटर बॉडी सेपरेट करती है इट इज़ नोन एज पाल के स्टेट तो बस यही बात है जो हमें याद रखना है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ और पाल के स्टेट और गोल्फ ऑफ मनार और एक और चीज़ ये जो मालदीव्स हैं ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में है ठीक है तो ये थे हमारे नेबरिंग कंट्रीज तो अब हम पूरे चैप्टर का समरी करेंगे छोटा सा चैप्टर है और इसका समरी कर लेंगे जल्दी से तो इंडिया जो है इंटायरली नॉर्दर्न हेमिसफेय में लाई करता है लैटीट्यूडल एक्सटेंट है इसका एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ टू थर्टी सेवन तो डिग्री सिक्स मिनट्स नॉर्थ लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट की बात करें तो ये है सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट्स ईस्ट टू तो नाइनटी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट्स ईस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को लगभग दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है और ये हमारे एट इंडियन स्टेट से होकर गुजरता है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम इंडिया के साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड हैं जो कि अरेबियन सी में है साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि बेऑफ बंगाल में है इंडिया की, की बात करें तो इट इज एरिया में थ्री पॉइंट टू एट मिलियन इंडिया का कितना है, km, है km, 22, tapers, 22 के नीचे, में इंडिया जो है पतला होने लगता है और इंडियन ओशन में जाकर एक्सटेंड हो जाता है हम जो देख रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो कितना है थर्टी डिग्रीज का है. और लैटिट्यूनल एक्सटेंट किलोमीटर्स में थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टीन किलोमीटर है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट किलोमीटर्स में टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी थ्री किलोमीटर है इस स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया का जहाँ पे जो भी टाइम होता है वो पूरे कंट्री में फॉलो किया जाता है वो है एटी टू डिग्री थर्टी मिनट्स ईस्ट और ये पास करता है मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश लैटीट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को भी इन्फ्लुएंस करता है प्रभाव डालता है डे एंड नाइट की ड्यूरेशन पे भी एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया जो है सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में और बाकी की कंट्रीज का ऑर्डर क्या है रशिया सबसे बड़ी फिर कनाडा फिर यूएसए फिर चाइना फिर ब्राजील फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया पॉपुलेशन में हमें पता है कि रैंक सेकंड नेबरिंग कंट्रीज जो है इंडिया की इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान अफगानिस्तान नॉर्थ में है चाइना नेपाल भूटान ईस्ट में है म्यांमार एंड बांग्लादेश साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव जो कि आइलैंड कंट्रीज हैं श्रीलंका इंडिया से सेपरेटेड है बाय बाई के स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मनार्क मालदीव जो है साउथ ऑफ लक्षदीप आइलैंड्स के लोकेटेड है अब देखिए इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का सदर मोस्ट पॉइंट हुआ करता था इट गॉट समर्ज इन टू ड्यूरिंग अ सुनामी ओपन अच्छा ओपनिंग ऑफ श्यूज कैनाल हमने देखा है इंडिया ने कैसे कॉन्टैक्ट रखा है और सी रूट्स आ, कैसे इसमें और आ, हेल्प करते हैं बाद में कांटेक्ट रखने में तो ओपनिंग ऑफ सीज कैनाल जो है उसके ओपन होने से सिक्सटीन एटीन सिक्सटी नाइन में सीज कैनाल ओपन हुआ और इसके ओपन होने से इंडिया और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो सात हज़ार किलोमीटर से कम हो गई तो आपको बस इतना याद रखना है कि सूज कैनाल के ओपनिंग से कब ओपनिंग हुआ एटीन में और इसकी वजह से इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है वो सात किलोमीटर से कम हो गया है सो इन दिस वेव डिस्कस द होल चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ जोग्रफी चैप्टर फर्स्ट विच इज इंडिया साइज एंड लोकेशन तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स